नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है ताकि इस दीपावली माता रानी की कृपा आप पर बरसती रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे धनतेरस के बारे में। धनतेरस का त्यौहार 2022 में कब पड़ रहा है, किस दिन पड़ रहा है, इसके बारे में जानकारी देंगे और धनतेरस पर क्या विशेष करना चाहिए जिससे आपके घर में पूरे वर्ष सुख समृद्धि बनी रहे, संपन्नता बनी रहे। क्या होता है धनतेरस के दिन, विशेष रूप से खरीदारी करने के लिए विशेष माना जाता है धनतेरस का त्यौहार, तो क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए और कौन कौन से वह सर्वश्रेष्ठ उपाय हैं, सरल उपाय हैं जो आपको आपके परिवार के लिए, आपके संसार के लिए, आपके बिजनेस व्यापार के लिए हर प्रकार से अच्छे बन जाएं। दोस्तों, इस बार कुछ ऐसा संयोग बना है कि लोगों को दो दिनों तक धन्वंतरी भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। इस साल 2022 में त्रयोदशी तिथि 22 अक्टूबर की शाम को 6 बजे के बाद शुरू होगी और 23 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक। ऐसे में पहले दिन रात में और दूसरे दिन दिन भर की गई खरीदारी उत्तम फलदायी होगी। 23 अक्टूबर को पूजा का शुभ मुहूर्त 5:44 से 6:05 तक है, तो इस अंतराल में आप पूजा संपन्न कर सकते हैं। जो भी लोग अपनी दुकान की, शॉप इत्यादि की पूजा करते हैं या बिजनेस व्यापार जो भी आप करते हैं वहां पर आप पूजा इत्यादि करते हैं तो वहां की पूजा आप बताए गए समय पर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मुहूर्त में अगर पूजा की जाए तो उस पूजा का शुभ फल कई गुना मिलता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर किस देवता की पूजा होती है धनतेरस के दिन। दोस्तों, इस दिन मान सम्मान धन के लिए माता लक्ष्मी की पूजा होती है। मान सम्मान की देवी, धन समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी है। दूसरा, विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है जो कि चिकित्सा और स्वास्थ्य के अधिपति माने जाते हैं, वय शुद्धि के कारक माने जाते हैं, मालिक माने जाते हैं, उनकी पूजा होती है। और इस दिन पूजा करना विशेष रूप से जो लोग बीमार हैं या किसी को स्वास्थ्य आदि की कोई समस्या है उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभदायक माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है और इस दिन उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी जो समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर उत्पन्न हुए थे, इस दिन उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि संपन्नता आती है और सबसे अधिक मात्रा में जो लोग स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे हैं या किसी रोग से पीड़ित हैं तो हमें धन्वंतरी भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। बता दें कि कुबेर भगवान की पूजा भी इसी दिन विशेष रूप से की जाती है, तो कुबेर पूजन भी इस दिन आपको करना है। विशेष रूप से नए सामान की खरीदारी इस दिन बहुत ही ज़्यादा शुभकारी मानी जाती है, लेकिन कई ऐसे सामान हैं जो आपको नहीं खरीदने चाहिए और कई ऐसे भी हैं जो खरीद लेने चाहिए जिससे आपके घर में संपन्नता बढ़ेगी और सुख समृद्धि बढ़ेगी। कुछ उपाय बताएंगे आपको, बहुत ही सरल हैं, जिनसे माता लक्ष्मी की कृपा, भगवान धन्वंतरी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। और दीपावली से पूर्व यह उपाय सभी को करने चाहिए क्योंकि इससे आपके घर में सुख समृद्धि और धन की वर्षा होती है। निश्चित रूप से माता लक्ष्मी आपके घर आती है, बहुत ज़्यादा आपको सुख समृद्धि देती है। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नए सामान में आपको क्या खरीदना चाहिए। विशेष रूप से इस दिन सोना चांदी इत्यादि आप खरीद सकते हैं, इसे अत्यंत ही शुभ कारक माना जाता है। अगर सोना चांदी और खास करके पीतल, क्योंकि पीतल का कलश लेकर धन्वंतरी भगवान उत्पन्न हुए थे, ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर जो धन्वंतरी भगवान उत्पन्न हुए थे वह जो कलश था वह पीतल का था, इसीलिए इस दिन पीतल खरीदना शुभ माना जाता है, तो यह धातु आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप यह सब नहीं खरीद सकते हैं, सब लोगों की ये सब खरीदने की क्षमता नहीं होती है, तो इस दिन आप झाड़ू खरीद कर लाएं, तो झाड़ू खरीदना इस दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ कारक माना जाता है।
इस दिन झाड़ू लाइए, उस पर सफ़ेद रंग का आपको धागा बांधना है और ला करके आप माँ लक्ष्मी के चरणों में एक बार के लिए रखें। पूजा घर के बाहर आप इसे रख सकते हैं। दोस्तों, इसकी आपको दीपावली के दिन पूजा भी करनी है, उसके बाद ही आपको इसको अपने घर में प्रयोग में लेना है। झाड़ू में दोस्तों आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, तो झाड़ू आप इस दिन ज़रूर लेकर के आइएगा। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन किसी को उधार या कर्ज भी नहीं देना चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन आपको अपने घर की लक्ष्मी को किसी और को नहीं देना चाहिए, वरना आपके घर में आपको लक्ष्मी की किल्लत सहनी पड़ेगी और आपके घर की लक्ष्मी जिन्हें आप उधार दे रहे हैं उनके घर चली जाएगी। अब बात करते हैं धनतेरस के दिन आपको क्या क्या चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि शनि से संबंधित चीज़ें धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। शनि से संबंधित चीज़ों का त्याग आपको इस दिन करना चाहिए। वर्जित माना गया है धनतेरस के दिन शनि से संबंधित चीज़ें खरीदना। तो चलिए अब जान लेते हैं कि शनि से संबंधित चीज़ें आखिर हैं क्या। दोस्तों, एक तो काले रंग की चीज़ें, नीले रंग की चीज़ें आपको इस दिन खरीदने से बचना चाहिए। ये चीज़ें शुभ नहीं मानी जाती है। शास्त्रों में काले रंग को अशुभता का प्रतीक बताया गया है, तो आपको धनतेरस के दिन यह चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। इसके अलावा स्टील, लोहे से संबंधित सामान भी ना खरीदें। स्टील के बर्तन खरीदने की गलती तो आमतौर पर हर इंसान कर देता है। धनतेरस के दिन आपको स्टील भी नहीं लाना है, क्योंकि स्टील भी लगभग आधा लोहा ही है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि धनतेरस पर आपको लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए, तो इस पर सवाल उठता है कि क्या गाड़ी खरीद सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल खरीद सकते हैं। गाड़ी धनतेरस के दिन खरीदी गई बहुत ही शुभ मानी जाती है। अब आप कहेंगे कि जब शनि से संबंधित चीज़ें नहीं खरीदनी है तो गाड़ी किस प्रकार से शुभ है। तो गाड़ी किस प्रकार से शुभ है आपको बता दें, गाड़ी सिर्फ और सिर्फ शनि से संबंधित नहीं है, यह मंगल से भी संबंधित है। गाड़ी में कई ग्रह शामिल होते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम गाड़ी लेते हैं तो इसकी पूजा जरूर करवाते हैं। इसलिए अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई वाहन आप खरीदना चाहते हैं, तो शनि से संबंधित सोचकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप धनतेरस के दिन जरूर खरीदें, यह बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस दिन आप कोई भी वाहन लेना चाहते हैं तो जरूर लीजिए, लेकिन अगर काले रंग का वाहन है तो आप इंतज़ार कीजिए और किसी दिन लीजिएगा। लेकिन धनतेरस को आपको काले रंग का कोई भी सामान घर में नहीं लाना है। पुराना सामान भूल से भी इस दिन आपको नहीं खरीदना है। मार्केट में मिलावट की चीज़ें आती है, बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं, तो धनतेरस का दिन इस तरह की खरीदारी के लिए शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, चलो आपको बताते हैं उस उपाय के बारे में जिससे कि आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। माता रानी की कृपा पूरे वर्ष 2023 में आपके ऊपर बरसेगी। दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो 5 झाड़ू खरीदने हैं। झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन आप 5 झाड़ू खरीदिए। एक झाड़ू आपको अपने घर में रखना है और बची हुई 4 झाड़ू आपको दान करनी है। दोस्तों, 4 झाड़ू आपको 4 मंदिरों में दान करनी है। आप 4 मंदिरों में दान करेंगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप यह उपाय अवश्य कीजिए। दूसरा उपाय है सबसे विशेष और बेहद खास, उसके लिए आपको चाहिए चावल। दोस्तों, चावल का उपयोग आपको इस उपाय में करना है। चावल यानी अक्षत का उपाय करना है। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। माता लक्ष्मी इससे बहुत प्रसन्न होती है। इसके लिए आपको 11 चावल के दाने यानी अक्षत लेने हैं। अब आपको इन 11 दानों को लाल रंग के कुमकुम या रोली से रंग लेना है। उसके बाद इन दानों को आपको लाल रंग के कपड़े में बांध लेना है और उसमें बांध कर आपको अपने घर की तिजोरी में इसे रख देना है। आप अपने पर्स में भी इसे रख सकते हैं और इन चावलों का पूजन आपको दीपावली के दिन करना है।
उसके बाद आपको इसे अपनी तिजोरी में रखना है। आप इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं, दुकान के गल्ले में भी रख सकते हैं। माना जाता है कि आपने यह जो पोटली बनाई है चावलों की, माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद जो यह पोटली तैयार हो गई है, यह माता लक्ष्मी को, धन को आकर्षित करती है। अगर आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर यानी तिजोरी में या दुकान के गल्ले में रखते हैं तो इससे धन बड़ी ही तेज़ी से आकर्षित होता है। तो दोस्तों, यह 11 चावल के दानों यानी अक्षत का उपाय आपको धनतेरस को करना है। दीपावली के दिन यह जो पोटली तैयार हो जाएगी इसकी पूजा आपको करनी है और अपने धन रखने के स्थान पर इसे रखना है। यह उपाय आप जरूर कीजिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है। रोली आपके घर में है, चावल आपके घर में, आपको एक छोटा सा लाल रंग का कपड़े का टुकड़ा बस लेना है और यह उपाय आप धनतेरस और दीपावली के दिन अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, दोस्तों के साथ इन उपायों को शेयर अवश्य कीजिएगा और अगर आप अभी तक हमारे चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल के सदस्य बन सकते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।